नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देश की आवाज में और मैं हूं नीतू। आज के इस कार्यक्रम में मुद्दे क्या कुछ लिए हैं वे जानने से पहले सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डालेंगे। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने बताते हैं। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था 70 सालों में सबसे खराब दौर में है और इसके साथ ही उन्होंने कैश की भारी कमी की बात कही है। साथ ही इसके लिए नोटबंदी और जीएसटी को भी जिम्मेदार बताया है। राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं लेकिन गंभीर आर्थिक संकट को देखते हुए और कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि नकदी की कमी को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के मुताबिक 70 सालों में देश ने कभी इस तरह की नकदी के संकट का सामना नहीं किया है जैसा कि आज करना पड़ रहा है। पूरा वित्तीय सेक्टर उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और कोई भी दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है। कोई भी किसी को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है और सब नकद दबाकर बैठे हैं। देश में लगातार आर्थिक मंदी बढ़ती जा रही है। ऑटो मोबाइल के बाद अब टेक्सटाइल उद्योग में भी मंदी का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं देश की आवाज में आज क्या कुछ सवाल है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आज का सवाल है, क्यों देश में इस तरह आर्थिक मंदी के हालात बन रहे हैं? इसके पीछे क्या कुछ वजह है? क्या आर्थिक मंदी से सरकार मुंह मोड़ रही है? क्या लाखों लोगों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है? क्या नोटबंदी है आर्थिक मंदी की वजह? आज का ये सवाल है। क्या जीएसटी ने व्यापार का नुकसान पहुंचाया है? आर्थिक मंदी पर आप सबकी क्या राय है, हम तक पहुंचा सकते हैं? तो ये आज के सवाल है। आखिर क्यों देश में आर्थिक मंदी के हालात बने हुए हैं? इसके पीछे क्या कुछ वजह है? क्या आर्थिक मंदी से सरकार मुंह मोड़ रही है? इसके अलावा ये भी सवाल उठता है कि क्या लाखों लोगों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है? आज ये तमाम तरह के सवाल हैं जो कि आर्थिक मंदी की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। देश में जो हालात बने हैं आर्थिक मंदी को लेकर, इस पर ये भी सवाल उठता है कि क्या जीएसटी ने व्यापार को नुकसान पहुंचाया है? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कार्यक्रम का नाम है देश की आवाज। तो इस तरह से देश में एक बार फिर मंदी का दौर शुरू हो गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष ने ये बयान भी दिया है कि देश एक बार फिर आर्थिक मंदी के दौर में है और इसमें नोटबंदी की समस्या भी है, कैश की समस्या भी है लोगों के सामने। कोई किसी को कर्ज नहीं देना चाहता है। क्या नोटबंदी आर्थिक मंदी की वजह बनी है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो कि इस कार्यक्रम में से जुड़े हुए हैं, जिन पर आपको अपनी राय रखनी है। और कार्यक्रम के पहले दर्शक प्रेम चेन्नई से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चेन्नई से है प्रेम, आपकी क्या कुछ राय है? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं ये बोल रहा हूँ मैम कि एक्चुअल में जब से बीजेपी की सरकार पिछले 5 सालों से पूर्ण बहुमत से आई है, उन्होंने ठान लिया कि देश में नौजवानों को बर्बाद करना है अपना मेंबर बना के। नौजवानों को लालच देते हैं कि तुमको नौकरियां देंगे, अफोर्डेबल हाउस बना के देंगे, मुफ्त में ये बांटेंगे, किसानों को ये देंगे और अपनी तनख्वाहें एमएलए एमपी बढ़ा रहे हैं। मोदी जी रोज घूमने जा रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 6,000-7,000 करोड़ रुपए अपने विदेशी जगह में खर्च किए। स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम, चांद पर जाएंगे। तो ये जो खर्चे हैं ये दिखाने के लिए, देश को लुभाने के लिए कि अगले 5 साल में हम ये करेंगे, अगले 20 साल में हम ये करेंगे। देश का खर्चा उनको पता नहीं है कहाँ से लाएंगे। अभी बजट जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पास किया, उसमें उन्होंने खर्चे को और आमदनी का कोई हिसाब ही नहीं दिया। उन्होंने कह दिया ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। शेयर बाजार की हालत खराब है, सीमेंट इंडस्ट्री खराब है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई, टी इंडस्ट्री खत्म हो गई। कौन सी इंडस्ट्री बची है इस देश में? कोई इंडस्ट्री नहीं बच रही है। लाखों बेघर हो जाएंगे अभी ऑटोमोबाइल से। 10 लाख आदमियों की नौकरी अदर में लटकी है। टेक्सटाइल में 2-3 लाख आदमियों की नौकरी जाने वाली हो गई है और ये जॉब देने के काबिल नहीं है। आज हरियाणा में हमारे वो साफ खाली निकाल के बोलते हैं हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं और वो चक्कर क्या रहे हैं, जाके हिसार में गाजर का हलवा खाएंगे खाली को। दुनिया में हो क्या रहा है? ये कोई चीज समझ ही नहीं रहे, ये अपने लगा रहे हैं।
जी, और इसी के साथ कार्यक्रम के अगले दर्शक सिरसा से बलदेव फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बलदेव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं आप। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये एक तो दुनिया की प्रॉब्लम है, अकेले भारत की नहीं। जी, और दूसरी जहाँ तक नोटबंदी का है, नोटबंदी का इसमें कोई असर नहीं है, नोटबंदी का, बल्कि वो ठीक तरह से लागू नहीं हुई। लोगों ने बैंक से मिल गए और अपने पैसे बदलवा लिए, जो बड़े अधिकारी और ये थे, बड़े अधिकारी राजनीतिज्ञ, पैसा बदलवा लिया, तो छोटे गांव में देहात में रहने वाले थे उनके पैसे जरूर डूब गए। बाकी इसका अगर सही तरीके से इसका वो होता नोटबंदी का, तो ये कई बड़े घराने ओवैसी वगैरह, ये इंदिरा गांधी, नेहरू खानदान, ये वगैरह, ये बोलते ही नहीं, इनका कुछ इनका पैसा ब्लॉक हुआ है, बाकी ये 80% पैसा तो निकलवा चुके बैंकों वगैरह से मिल गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम देश की आवाज में आज हमने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे, क्या देश में आर्थिक मंदी के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या आर्थिक मंदी पर आपकी क्या राय है जो देश में इस तरह से हालात बने हुए हैं। और इसी के साथ कुरुक्षेत्र से चंद्रप्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जी, जीएसटी का प्रभाव पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उसके साथ साथ सरकार ने जीएसटी को सरल बनाने के जो भी भरसक प्रयास थे वो उन्होंने किए, परंतु मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो है ना टुकड़े टुकड़े गैंग अभी भी सक्रिय है, वो जब भी बोलते हैं तो रुदाली विलाप करते हैं हमेशा। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, मुद्दा क्या होता है, जो मुद्दा है आप मुद्दे पर बात करिए, परंतु नहीं, वो रुदाली विलाप करेंगे हमेशा, आप मुद्दे पर बात करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे नोटबंदी हो, नोटबंदी भी ने भी प्रभाव डाला, परंतु नौकरियां जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके साथ साथ उन्होंने सृजन के और माध्यम भी चुने हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की कभी आर्थिक मंदी आती है, मैं मानता हूँ हर वक्त एक समान नहीं रहता, क्योंकि सुबह होती है तो फिर दोपहर भी होती है, दोपहर होती है तो संध्या भी होती है, संध्या होती है तो रात भी होती है, परंतु देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हम लांछन लगाए, ये न्याय संगत बात नहीं है। पी चिदम्बरम ने क्या किया, आज पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है जी? गांधी परिवार ने क्या किया, सोनिया गांधी ने क्या किया, सोनिया गांधी इलाज के लिए अमेरिका जाती है, अरुण जेटली का इलाज एम्स में होता है, ये फर्क है, ये नीति में फर्क है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे भैया, लगा तू लगाए तेरी मैया, ये कहानी है हमारे देश की, हमारे राजनेता देश को लूट के खा रहे हैं। आप देखिए इनके सुरक्षा के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, एक बंगला है, माँ बेटे दो हैं ये राहुल और सोनिया, ये क्या एक बंगले में नहीं रह सकते? परंतु नहीं, उन दोनों नवाब है ना, इनको दोनों को अलग अलग बंगला चाहिए, बेटी है तो उसको भी बंगला चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे देश का बेड़ा गर्क इन नेताओं ने कर रखा मैडम, और कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ कार्यक्रम के अगले दर्शक दिनेश नरवाना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जी मैडम जी, ऐसा है जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आपका। जी, आज मैं अखबार पढ़ रहा था सवेरे, हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए हैं, बोले आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है देश की, इसलिए मैं सबकी पुरानी पेंशन लागू नहीं कर सकता, मैंने वादा जरूर किया था आप लोगों के साथ, लेकिन आर्थिक स्थिति ने ड्रामा डाउन कर दिया है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्यों वादा किया था, इसको पता था कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन ये लुटेरिया ने झूठ बोल के सता दी उनको, जो पेंशन इस दिन दे रहा मोदी को, या उसको डिसमिस करो सरकार को मोदी में, यदि इंसानियत है तो। और नंबर दो जी, जो ये धारा 370 है या मंदिर है, इनके लिए देश के लिए कोई मुद्दे नहीं है जी, ये तो इनको बीजेपी ने बढ़ाया है, सिर्फ आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है, देश बर्बाद हो चुका है, ये अपना सरकार कैसे चलाए, कहीं धारा 370 का कर दिया है, कहीं कुछ कर दिया है, कहीं कुछ कर दिया है, अगर तीसरे दिन बाहर के तीसरे में बात धरा है अपने प्रधानमंत्री जी पे तो टेमे को नहीं, कभी ट्रंप पर फोन करवा दे है कि नाम खैदो जी मदस्था कराएंगे, कदे कुछ कह दे, देश का बर्बाद करने लगे हैं,
और पानीपत का उद्योग कपड़ा का बिल्कुल फेल हो चुका है जी हिंदुस्तान के अंदर। और देखना तो यह सरकार खुद ही बात देगी जी, छोड़ के बात जगह अमित शाह भी जो भी कुछ हमने नहीं चाहिए, ऐसे हालात देश में पैदा कर दिए इन लोगों ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज हम आपसे कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कार्यक्रम का नाम है देश की आवाज। क्या लाखों लोगों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि देश आज आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, आर्थिक व्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी है और ऐसे में इस तरह के सवाल भी उठना लाजमी है। क्या जीएसटी से व्यापार को नुकसान पहुंचा है? हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोई भी किसी को कर्ज नहीं देना चाहता है और लोगों के पास कैश की भी कमी है। नीति आयोग के अध्यक्ष ने खासतौर पर यह बयान दिया है देश के ऐसे हालातों के बाद। और इसी के साथ करनाल से हमारे अगले दर्शक योगेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या है आपकी राय? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी। जो ये मोदी भक्त है या मोदी गुलाम भक्त है मैडम, इनको ये नहीं दिखता कि भी देश की आर्थिक व्यवस्था कितनी डूब चुकी है कि लोगों को नौकरी चाहिए, ना कि ये मतलब झूठे वादे कि भी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कितने 5 साल हो गए, 6 साल हो गए मैडम, क्या रोजगार नहीं बना सकते थे? क्या बाहर से फैक्ट्रियां नहीं आ सकती थी? ये कारण क्या है कि भी जो फैक्ट्रियां या कंपनियां जो हमारे भारत में लगी हुई थी वो यूरोपियो में या दुबई में या मान लो दूसरे स्टेटों में जाके अपना व्यापार कर रही है, इंडिया में क्यों नहीं आ रही है? ऐसी क्या कमियां हो गई है? और एक सबसे बड़ी बात, जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण कह रहे थे कि भी मुन के आतंकवादी कोई कमर तोड़ेंगे, ये तो देश की कमर तोड़ दी जीएसटी से। जब ये वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे जब गुजरात के, जब ये कहते थे कि ये देश के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, जीएसटी लागू करना चाहते हैं, इससे व्यापारियों का काम खराब होगा, अब खुद जीएसटी लागू कर दिया। जब ये मुख्यमंत्री प्रधान वो थे गुजरात के, जब इन्होंने ये कहा था कि भाई जब ये ऐसी क्या दिक्कत है लोगों की भी, लोग जो ये पैसा है जो डॉलर है इससे घटता जा रहा है, वो रहा है, ये नाराज नेता खा रहे हैं। अब कौन सा 65 रुपए या 50 रुपए आ गया है जी? मतलब कि जो ये है ना कि बस भक्तों को तो ये है कि एक झूठी, मतलब कि आपने एक इनका एक बयान सुना होगा मैडम, बिहार में कहा था कि भाई सिकंदर बिहार में आके यहाँ पे आके वापिस गया था, उस दिन के बाद भक्त इतने पागल हुए पड़े कि वो कहते कि हमें तो इस किताब में ये चाहिए कि हाँ सिकंदर यहाँ पे आया तो आया था। अब बेचारे क्या करें, इनको समझ कहां से आएंगे? ये तो पत्तों के आगे खड़े हो गए, रात को खड़े हो जाते हैं कि बूंद की एक एक बूंद पड़ेगी हम हाथ धोएंगे। इनके अकल नहीं है कि देश की व्यवस्था कहां जा रही है? बच्चों को नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षित चाहिए, तो जब भी तो देश का डेवलपमेंट होगा, नहीं तो 5वें स्थान से आके हमारा देश 7वें नंबर पे क्यों आ गया? नशे के चक्करों में हमारा देश जो 42वें नंबर पे था वो 20वें नंबर पे क्यों आ गया? लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं मैडम, इनको कह रहे हैं कि हमें कुछ हुआ ही नहीं है। इनके तो बेचारे जितने भी राजनेता है ना बीजेपी वाले मैडम, बेचारे क्या करे, सड़कों पे रहते हैं, सड़कों पे खाते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, इनके पास तो बेचारे के पास मकान है ही नहीं है। बिल्कुल बेचारे बहुत बुरा हाल, गरीब आदमी है बेचारे, क्या करे मैडम, बड़ी दया आती है बीजेपी वालों पे तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम देश की आवाज में ये सवाल है कि आर्थिक मंदी से देश जूझ रहा है। और इसी के साथ कार्यक्रम की अगली दर्शक लखनऊ से नीतू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हाँ मैम, थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुद्दा उठाया जी। अदरवाइज मैम और कोई चैनल इस तरह की बात ही नहीं कर रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैम, वर्तमान सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है आर्थिक मंदी के इस तरह के दौर में। नौकरियां मैम देखिए खत्म होती जा रही हैं, और कब तक मैम ये सरकार नेहरू और गांधी को कोसती रहेगी? और नोटबंदी और जीएसटी इस मंदी के बहुत बड़े कारण है मैम। मनमोहन सिंह की सरकार में भी आप पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा था, लेकिन उस समय यह था कि हम लोग छोटी बचत किया करते थे जी। लेकिन छोटी बचत लोगों ने तब से बंद कर दी जब से नोटबंदी हो गई मैम, हम महिलाओं ने खुद ही बंद कर दी। लगता है कि कहीं दोबारा नोटबंदी हो गई तब फिर क्या होगा? और फिर मैम लोगों का ध्यान इधर उधर भटका रही है सरकार, मुद्दों से इधर उधर बात करते हैं ये लोग ताकि लोगों का ध्यान आर्थिक मंदी की तरफ जाए ना, तो क्या ऐसा तो है नहीं मैम? और अभी तक कही है तो ये बयान नहीं दिया इन लोगों ने कि आर्थिक मंदी के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। और आर्थिक मंदी के लिए अभी तक मतलब मैम इन्होंने क्या कर रहे हैं आखिर ये लोग? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है तो मैम चिदम्बरम वाला मसला इन्होंने उठा दिया, 370 ले आए कि 370 हटा दी मैम, जो कर्ज करना है मैम आर्थिक मंदी से भी तो निपटे, ये कैसे निपटेंगे? इधर उधर घूमने फिरने से काम चलेगा मैम? बताइए देश का मैम। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कार्यक्रम देश की आवाज में आज हमने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, क्योंकि देश आज आर्थिक मंदी से जूझ रहा है।
और इसी के साथ कार्यक्रम के अगले दर्शक भिवानी से राकेश जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेरी राय में ये जो जीएसटी लागू करी गई है, इससे व्यापारी जो काला धन बचाते थे उससे उनका काला धन भी बिल्कुल खत्म हो गया है, और दूसरा जो इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स नहीं देते थे उनका भी इनकम टैक्स के लिए कारण, क्योंकि बैंकों में 10 लाख रुपए से ऊपर जमा करने पर तुरंत इनकम टैक्स की सूचना चली जाती है। तो जो जो काले धन की अर्थव्यवस्था थी, जो काला धन और जो अधिकारी जो या नेता जो भ्रष्टाचार करते थे, जो सरकारी धन बजट का वो भी लगभग बंद सा हो गया है, रिश्वत बढ़ गई है अलग, वो दूसरा मैटर है। लेकिन तो इस चक्कर में जो काले धन की जो अर्थव्यवस्था थी, इसके कारण लोग महंगे महंगे सामान खरीदते थे, घूमने फिरने जाते थे, महंगी कारें खरीदते थे, वो सब बंद हो गई। तो इसके कारण एक आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया है, उसे हम आर्थिक मंदी कह सकते हैं। और ये जो सीताराम येचुरी झूठ फैला रहे हैं, जब करप्शन जब लोगों की ब्लैक मनी कम हो जाएगी तो अपने आप ही आर्थिक मंदी भी हो जाएगी। और दूसरी बात गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो गाड़ियों में 10 लाख नौकरी अगर चली गई है तो वो दूसरी नौकरी कर सकते हैं। इतना ज्यादा प्रदूषण भी तो बढ़ता चला जा रहा है गाड़ियों से, पहले तो गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने की बात है, पर प्रदूषण से लोगों की मौत की बात, अस्पतालों में दवाइयों में खर्चा हो रहा है, और दिवाली के पटाखों में तो कुछ को भी रविश कुमार जी नहीं बोले, उस समय उनकी भी तो रोजगारी थी। तो ये सब चीजें तभी अब जैसे एक कोई सीएमओ था, अरबों रुपए का बजट आता था, वो घोटाला ही नहीं कर पा रहा है यूपी में या कहीं भी, क्योंकि सीए डायरेक्ट सरकार से दबाई आती है। तो ये सब कारण जो है भ्रष्टाचार के कमी कारण जो अर्थव्यवस्था थी, अब कोई नेता कोई क्लर्क जो है जिसकी 5-2 लाख रुपए की 3-4 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की हैसियत थी, वो 15 लाख या 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता था तो उसकी हैसियत घट गई, तो अब यहां मंदी आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज देश आर्थिक मंदी के दौर से जूझ रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता रहा हो, हर सेक्टर पर इसका असर पड़ा है। बात की जाए युवाओं के रोजगार पर भी तो इसका भी काफी व्यापक असर देखा जा सकता है। आखिर देश में इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं, क्या आर्थिक मंदी से सरकार मुंह मोड़ रही है, ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। और इसी के साथ कुरुक्षेत्र से हमारे दर्शक राम सचदेवा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आपकी क्या कुछ राय है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज बच्चे बच्चे को भी पता है कि जीएसटी, एक हर बंदे को पता है कि जीएसटी से कितना नुकसान कितना वो हो रहा है। जी दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, रणजीत कुमार जी ने जो कहा सही कहा, और ये सही ही कहते हैं, सही बात करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ, आज किसान जो हमारे लिए देखो मेहनत करके दिन रात मेहनत करके रोटी कमाता है, दिन रात मेहनत करके मंत्रियों को पेट भरता है, और वो भी वो करता है, आज वो भी भूखा मर रहा है, तो वो हो रहा है। सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, आज किसान जो वो उसने इतनी मेहनत करता है, उनके बच्चों को भी नौकरी नहीं, बेरोजगारी देखो कितनी है, हर चीज चलो हमारे बच्चे चलो नौकरी कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं, लेकिन किसान का बच्चा तो कोई नौकरी भी नहीं कर सकता और काम भी नहीं कर सकता। अच्छे दिन आए हैं तो इन मंत्रियों के आए हैं, जो बैठ जो कुर्सियों पर बैठे अपना आराम से नोट कमा रहे हैं, और वो कह रहा, और जितना भ्रष्टाचार उसको बढ़ा है इतना कहीं भी नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। जी तो ये तो थे हमारे दर्शक राम सचदेवा जिन्होंने अपनी राय रखी, और इसी के साथ देहरादून से अगली दर्शक रशीदा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, क्या कुछ है आपकी राय? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे पीएम है, इन्होंने काफी सारे मुद्दे उठाए, कभी 3 तलाक के मुद्दे उठाए, कभी मतलब हर चीज के मुद्दे उठाए, पर कभी गहराई से जाकर ये जाना है कि कभी हमारा मेरा देश किस ओर जा रहा है। मैम मैंने नायक मूवी में एक लड़के को बोलते हुए देखा था अनिल कपूर को कि साहब हमारा देश लंगड़ा हो गया है, उसे चलना सिखा दीजिए। मैम आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि हमारा देश लंगड़ा हो चुका है। हम नौजवान पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, MBA BEd कर रहे हैं, तो हमें फायदा क्या हो रहा है? हमें इन सब चीजों को करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि अगर पकौड़े बेचने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि ये भी एक रोजगार है। तो मैम ये बहुत बड़ी बात है कि हम पढ़ लिखने के बाद भी पकौड़े बेचें, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? हमारा देश अब से 5 साल पहले मैम बहुत पीछे चला गया, मैम बहुत पीछे, जबकि अगर मोदी जी ने इतने मुद्दे उठाए तो उन्हें हमारे देश को आगे ले जाना चाहिए था, वर्ल्ड में नंबर 1 खेल आना चाहिए था। आज हर कोई
वो बोलता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, बेरोजगार और बेरोजगार हो गया और गरीब जो है, कुछ भी ऐसा कोई सही काम नहीं है जो हो रहा हो इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ कार्यक्रम के अगले दर्शक अनिल अंबाला से जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि आज जो देश की आवाज में हमने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं जो कि देश की आर्थिक मंदी से जुड़े हुए हैं। आज के सवाल हैं कि क्या आर्थिक मंदी पर आपकी राय है, आपको क्या लगता है कि आर्थिक मंदी जो देश में हालात हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है, उसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकते हैं, इसी पर आपको अपनी राय रखनी है, हमें बतानी है। तमाम दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। कुछ नोटबंदी को जिम्मेदार मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि जीएसटी लागू होने के चलते ऐसे हालात हुए हैं। और इसी के साथ जालंधर से हमारे अगले दर्शक आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ राय रख रहे हैं आप? मैडम, जो ये नोटबंदी हुई है और जीएसटी लागू हुआ है, उसकी वजह से जो है ना, मतलब एक कारोबार में बहुत झटका लगा है जी। और कारोबार तकरीबन बंद हो गए हैं, नौकरियां बिल्कुल नहीं मिल रही हैं जी। दूसरे ये है कि अब जैसे कि पूरे देश में बारिश की वजह से हालात बहुत ज्यादा आ गए हैं, खराब हो गए हैं, बाढ़ आ गई है, और ये जबकि हर साल होता है, तो क्या सरकार ने कभी सिंचाई विभाग या जो महकमे के आदमी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? आज तक नहीं लिया, क्योंकि जब किसान ही मरता है और किसान की फसल खराब होती है, लेकिन उस फसल को खराब करने के लिए जिम्मेवार कौन है? वो जो है, जो ड्रेनेज को, जो नदियों को, नालियों को मेंटेन करने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है, बिल्कुल ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसकी वजह से ये जो बाढ़ आई है, हमारी जो आर्थिक स्थिति पहले ही खराब थी, फसल खराब होने से किसानों की हालत बहुत खराब है, उससे और आर्थिक मंदी आएगी, खाने को अनाज नहीं होगा तो उससे क्या होगा? ये कारखाने तो चलो ठीक है, बंद होते जा रहे हैं, और हर ऑटो सेक्टर है, ये टेक्सटाइल का अदारा है, इवन आप ये देखिएगा कि इंस्टीट्यूशंस बंद होते जा रहे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं उसमें एडमिशंस कम हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, बहुत बुरा हाल होता जा रहा है जी। और सरकार इस तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरा यही कहना है बस, जय हिंद, जय भारत जी। और इसी के साथ उधम सिंह नगर से संदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे कार्यक्रम के अगले दर्शक हैं। संदीप, क्या है आपकी राय? हमारी राय ये है जी, सबसे पहला नंबर तो नोटबंदी जो इन्होंने करी है ये मोदी जी ने, सबसे घटिया काम, सबसे जिंदगी में हमने पहली बार ये देखा है कि इससे जितना देश का नुकसान हुआ है, चाहे भी किसी और वजह से हुआ हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी अपनी राय रखने के लिए। और हैदराबाद से हमारे दर्शक शिव जुड़ चुके हैं। शिव, क्या कुछ राय रख रहे हैं आप जी? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम देश की आवाज आप देख रहे हैं और आज के कार्यक्रम में हम आपसे तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो कि देश की आर्थिक मंदी से जुड़े हुए हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था आखिर क्यों कमजोर पड़ गई है, मंदी से आखिर क्यों सरकार मुंह मोड़ती नजर आ रही है, क्या लाखों लोगों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्या नोटबंदी आर्थिक मंदी के पीछे वजह मानी जा सकती है, और ये भी वजह है कि क्या जीएसटी ने व्यापार को नुकसान पहुंचाया है, ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आर्थिक मंदी से जुड़े हुए हैं, इनके पीछे क्या कुछ वजह है, इस पर आप अपनी राय रख रहे हैं लगातार। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आपको बता दें कि इस तरह निवेशकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज देश की आवाज में हमने आपसे सवाल पूछा कि देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है। कुछ दर्शकों ने बताया कि जीएसटी लागू होने से ऐसा हो रहा है, तो कुछ ने नोटबंदी को इसका असर बताया है। फिलहाल जरूरत है इन तमाम कारणों पर जांच करने की, इन पर अमल लाने की।
वित्त मंत्री उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद जरूर सहयोग उठाएंगे और तुरंत इस पर हमें जल्द से जल्द निजात मिलेगी। फिलहाल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ आपके अपने कार्यक्रम देश की आवाज में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।